10 अक्टूबर को जेवर में एक 55 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज 13 अक्टूबर को पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी, जिसका नाम तहरीर में भी दिया गया था, जो पीड़िता के ही गांव में रहने वाला एक महेंद्र नाम का युवक है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वो 25,000 का इनामी भी घोषित कर दिया गया था। उसकी गिरफ्तारी ग्राम दयानतपुर, जो कि पीड़िता और अभियुक्त का गांव है, वहां से जो ग्राम नंगला झानू जाने वाली सड़क है, वहां से दोपहर के करीब करी गई है एवं अभियुक्त से अभी पूछताछ की जा रही है। परसों एक अन्य अभियुक्त, जिसको पीड़िता ने पहचाना था कि वह भी इस घटना में संलिप्त है, उसकी गिरफ्तारी पहले ही कर ली गई थी एवं उसे जेल भेज दिया गया है। ये जो दोनों अभियुक्त जिनकी अब तक गिरफ्तारी की गई है, इनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और जल्द से जल्द समाप्त की जाएगी, ताकि इसमें हम समयबद्ध रूप से आरोप पत्र प्रेषित कर सकें और इसमें एक फास्ट ट्रैक ट्रायल करवा सकें। इस प्रकरण में अन्य जो भी तथ्य जैसे जैसे विवेचना में सामने आते जाएंगे, उनको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।